बता सकता है बट देखने के लिए बहुत अच्छा है। मतलब उसको चम्मच से उठा के खाने के लिए। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग्स। तो अभी बज रहा है शाम का 7 और आज हम जाने वाला है बाहर, और सभी लोग अभी काम कर रहे हैं लेकिन मैं थोड़ा बाहर जाने वाला हूँ क्योंकि देखता हूँ बाहर कुछ खाने पीने के लिए जाएंगे और साथ में उधर का व्यू जो है आप लोगों को दिखाएंगे, शेयर करेंगे। तो अभी मैं मतलब फैक्ट्री से निकलने वाला हूँ और जाने वाला हूँ सीधा मार्केट, और मार्केट बोले तो एक छोटा अच्छा बजट टाइप का है बट उधर कुछ फास्ट फूड खाना है मुझे। अभी शाम का टाइम कुछ खाया नहीं है तो जाना है, और चलिए चलते हैं, देखते हैं उधर का व्यू कितना अच्छा देखने के लिए मिलेगा और क्या क्या देखने के लिए मिलेगा। अच्छा, इधर जो फैक्ट्री में हम काम करता है उधर तरह तरह का काम होता है, मतलब चाय पीने का जो छोटा वाला कप है, खाना खाने का जो प्लेट है वो सभी होता है, और उसका जो रोल है मतलब जो कागज़ का रोल वो बड़ा बड़ा है, अभी पीछे पड़ा है देख रहा है वही। तो अभी फाइनली मैं आ गया नीचे, चलिए। तो दोस्तों फाइनली हम निकल पड़ा है रोड पर, और अभी रोड में मतलब बरसात का टाइम है, बारिश इतना जमा हुआ है क्योंकि आप रोड का साइड मतलब ये रोड थोड़ा अंदर का है इसलिए थोड़ा अच्छा है, बट जो मेन रोड है वो रोड पर इतना मतलब पानी जमा हुआ है बरसात का कारण बहुत ज़्यादा। और इधर से एक रोड था वो ब्लॉक है अभी, तो चलिए चलते और थोड़ा मतलब कुछ 5 मिनट जाना है और 5 मिनट बाद फाइनली हम पहुंच जाएंगे। तो चलिए अभी पूरा दिन भर काम करने के बाद जो पैदल चलने का मतलब बॉडी का एक एक्सरसाइज भी हो जाता है और साथ में आप लोगों से बातचीत भी, तो चलिए चलते। दोस्तों फाइनली अभी पहुंच गए स्टेशन में और इधर से जाने वाला हूँ सोदपुर, तो पहले लेना पड़ेगा टिकट, तो अभी मैं काउंटर पर खड़ा हूँ, तो चलिए। तो दोस्तों फाइनली जो है टिकट ले लिया, अभी स्टेशन पर वेट कर रहा है ट्रेन का क्योंकि अभी सिर्फ एक स्टेशन जाना है, 2 से 5 मिनट लगेगा, तो चलिए वेट करने के बाद ट्रेन कब आता है देखता हूँ। तो दोस्तों फाइनली मैं सोदपुर जो है पहुँच गया, और फास्ट फूड जो आप ट्राई करने वाला है वो है मटन घुगनी। तो मेरा आगे का और पीछे का दोनों व्यू में दिखाने के लिए कोशिश करता हूँ, बट ये बहुत फेमस है मैं अभी सुना है, जो खाएगा तब पता चलेगा। तो भैया जो है प्लेट दे रहा है, और इधर कस्टमर जो व्यू है आप देख सकता है, कस्टमर व्यू भी बहुत बढ़िया है। तो भैया एक प्लेट लगाओ। तो दोस्तों फाइनली आप लोग सोदपुर आए तो 10 रुपीज वाला मटन घुगनी जरूर ट्राई करना, ठीक है। और इधर का जो कस्टमर व्यू है वो आप देख रहा है, अभी रात का बज रहा है 8 और सभी लोग अभी मतलब अभी तो मैं भी वेटिंग में हूँ। भैया मेरा प्लेट हो गया रेडी? तो भैया जो है मेरा प्लेट अभी बना रहा है, नहीं अभी पार्सल जा रहा है, गर्मी ज़्यादा है। तो आप लोग सोदपुर आए तो ज़रूर ट्राई कर मतलब टेस्ट करना, बहुत अच्छा मैं सुना है, बट अभी मैं तो पहली बार खाएंगे अभी। तो दुकान का जो व्यू है कुछ इस तरीके से है, और इधर बॉयल वाला अंडा भी मिलता है, और भैया जो है पार्सल कर रहा है अभी, लेकिन इधर मेरे लिए तो एक ही प्रॉब्लम होगा क्योंकि बैठने का जगह इधर थोड़ा कम है, और यही मेरा प्रॉब्लम है क्योंकि कैमरा पकड़ने के लिए कोई मतलब किसी को भी लेके नहीं आया, तो वही मेरा प्रॉब्लम है, दूसरा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट फिर भी आया तो खाना तो चाहिए। तो मेरा वाला जो प्लेट है अभी भैया दे रहा है, और 10 रुपीज़ का ऐसा मटन घुगनी मिलना तो
बोले तो 10 रुपीज में आजकल कुछ नहीं मिलता, बट इधर मटन घूमी तो सतपुर स्टेशन का ऊपर ही है, 10 रुपीज में मिल जाता है। और उसका टेस्ट जो है वो कैसा है अभी तक मेरे को पता नहीं, क्योंकि मैं अभी टेस्ट करने वाला हूँ। हो गया, तो फाइनली आ गया मेरे हाथ में, क्योंकि मैं अभी इधर बैठेंगे, बैठ के खाएंगे और बताएंगे आप लोगों को टेस्ट कैसा है। बट प्रॉब्लम एक ही है, खाएंगे कैसे, क्योंकि अब एक हाथ में कैमरा पकड़ा है और दूसरा हाथ में प्लेट है, अभी मुंह लगा के खाना पड़ेगा। फाइनली दोस्तों मैं टेस्ट किया था और अभी भी बाकी है, लेकिन प्रॉब्लम एक ही है क्योंकि कैमरामैन लेके नहीं आया, इसके लिए थोड़ा दिक्कत है। बट टेस्ट तो बहुत बढ़िया है, और मतलब इसके चम्मच से उठा के खाने के लिए नहीं होता, क्योंकि किसी को नहीं लेके आया। और दुकान का कस्टमर जो व्यू आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 10 रुपीज़ का मटन घूमनी किधर मिलता है भाई, सतपुर में आपको मिलेगा। तो आप आओ खाओ और आके देखो, टेस्ट तो बहुत बढ़िया है और स्वादिष्ट है बहुत। तो आप आगे और पीछे दोनों का व्यू देख सकता है। फाइनली इसका जो टेस्ट है वो तो बहुत टेस्ट है भाई, आप आओ खाओ तब आपको पता चलेगा। उसे आप देख सकते हैं बोर्ड पर भी लिखा है मटन घूमनी, और वो भी सिर्फ 10 रुपीज में। तो भाई एक बार टेस्ट तो करना ही चाहिए, तो आ जाओ आके टेस्ट करो। तो दोस्तों फाइनली जो मटन घूमनी खा लिया, अभी खाने आया है मोमोस, और मोमोस मेरा बहुत फेवरेट है। बट प्रॉब्लम एक ही है, इधर बैठने का जगह नहीं है। और भैया एक प्लेट मोमोस लगा दो। हाँ चिकन, तो अभी मैं ऑर्डर कर दिया चिकन मोमो, तो अभी मैं चिकन मोमो जो है ऑर्डर कर दिया। और आगे का और दोनों का मतलब स्टेशन में तो फिर भी देखने के लिए बहुत अच्छा रहता है, और ऊपर का मतलब अंदर सभी रहता है, इधर सिर्फ सैंपल कुछ है, बस इतना ही है। तो चलिए ट्राई करते हैं मोमोस। फाइनली आ गया मेरा हाथ में चिकन मोमो, और अभी मैं टेस्ट करने वाला हूँ कैसा रहेगा। तो पहले टेस्ट करना पड़ेगा, उसका बाद कैसा है मैं बता सकता हूँ, क्योंकि अभी तक खाया नहीं कैसे बता सकता है, बट देखने के लिए बहुत अच्छा है। तो दोस्तों अभी जो है स्टेशन पर बैठने का तो ज़्यादा मतलब अलाउ नहीं है, तो अभी मैं ले लिया, और अभी पहले सूप जो है वो थोड़ा टेस्ट करेंगे। भाई सूप तो बढ़िया है, और इधर है टमेटो सॉस, इधर है चटनी, और ऊपर से सूप, और प्यारा सा मोमो जो मेरा बहुत फेवरेट है। तो भाई इसका सूप जो है थोड़ा अलग लेवल का है, और मोमो बोले तो मतलब पहले जब खाया नहीं था तब टेस्ट पता नहीं था, मैं जो दूसरा जगह पे खाया हो इधर मैं खाया हो, इधर जो टेस्ट है मतलब थोड़ा यूनिक है, ठीक है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा यूनिक तो है। तो फाइनली भाई ये जो टमाटा का सॉस है ना है बहुत टेस्टी है, और अंदर चिकन जो है भर भर के दिया गया है, मतलब हर चीज़ मिला के बहुत बढ़िया है। आप आ सकते हैं, सतपुर स्टेशन के ऊपर में ही है, और आके टेस्ट करते है, मतलब बहुत बढ़िया टेस्ट है इसका, सब कुछ अलग है, यूनिक है। तो चलिए देखते हैं और क्या क्या ट्राई करने के लिए आज होता है, मतलब सिर्फ अब लोग आओ आके देखो।
सूप जो है बहुत अच्छा, और सबसे खास बात जो है सूप में, मतलब सूप में और टोमेटो सॉस में, और इसका अंदर जो चिकन दिया गया है बहुत अच्छा टेस्टी है, बस इतना ही कहना है। तो चलिए भाई चलते हैं नेक्स्ट, और क्या कुछ मिलता है। भाई एक चीज तो मानना पड़ेगा, दुकान छोटा है बट मोमो तो आप देख ही चुका है, बट उसका टेस्ट जो है बहुत बढ़िया है। तो आप लोग आओ, और दुकान का जो नेम प्लेट वो आप लोग देख रहे हैं ऊपर, सुखपुर स्टेशन में आए तो पक्का ट्राई करना, बहुत अच्छा टेस्ट है, मतलब खाना चाहिए यार, खाएगा तब पता चलेगा, नहीं तो यू देख के कुछ नहीं पता चलेगा। तो चलिए और क्या क्या फूड मिलता है ट्राई कर, मतलब खाने के लिए। तो फाइनली दोस्तों मैं सोच रहा था कुछ मिस कर रहा है, बट क्या मिस कर रहा है, वो था पानी पूरी, जिधर अभी मैं आके खड़ा हूँ, और अभी जो है लास्ट फूड जो है वो पानी पूरी में एंड होगा, एंड फुल वॉश करना, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को। तो दोस्तों फाइनली जो है पानी पूरी आ गया मेरा हाथ में, और मेरा बहुत फेवरेट चीज़ है, तो चलो टेस्ट करते हैं। मेरा थोड़ा छोटा वाला दे दो दोस्तों। पानी पूरी जो है बट ज्यादा अलग कुछ नहीं है, इधर थोड़ा जो पानी है उसका टेस्ट थोड़ा अलग है, मतलब आपको लगेगा एंड थोड़ा यूनिक। ओदिके दे दो, ओदिके दे दो, तो चलिए दोस्तों पहले खा लेते हैं, क्योंकि एक हाथ से खाना एक हाथ से फोन पकड़ना बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, और दुकान का जो व्यू वो कुछ इस तरीके से है। तो बात करते करते आ गया दूसरा पीस, तो चले तो दोस्तों पानी पूरी खा लिया, अभी स्टेशन का ऊपर से गुजर रहा है, क्योंकि वो साइड उतर के मेरे को थोड़ा डाउन जाना है। तो चलिए फिर, बहुत थक गया है क्योंकि ट्रेन में इतना भीड़ था क्या बोल सकता हूँ आप लोगों को, मतलब पैर रखने का तो जगह नहीं है, कुछ कुछ प्रॉब्लम ऐसा ही होता है, बट प्रॉब्लम को फेस किया तो उसको आसान लगता है, लेकिन टेम्परेचर जो है गर्मी है वो तो जितना है बस उतना ही लगता है भाई, क्योंकि इधर गर्मी में थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, दूसरा सब कुछ नॉर्मल है। और उसका जो फूड जो कुछ मैं ट्राई किया वो बहुत नेक्स्ट लेवल का था, और मैं ज़्यादा दिन से सुन रहा था, फाइनली आज मेरा को जो टाइम मिला था वही मैं गया था, तो बहुत बढ़िया है भाई। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आप मेरा चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब करना, ऑलरेडी जो सब्सक्राइब कर दिया उसके लिए थैंक यू सो मच, फेसबुक से है तो फॉलो करना। तो चलिए टाटा बाय बाय।